एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि खातेगांव, काटाफोड़, लोहरदा सहित लूट चोरी के माल सहित चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर बंदूक के साथ घातक हथियार बरामद किया है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि कन्नौज और खातेगांव थाना प्रभारी तहजीब काजी तथा विक्रांत झांझोट को जिला पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर एसडीओपी श्रीमती ज्योति उमट के मार्गदर्शन में कार्यवाही के निर्देश दिए। संयुक्त टीम ने साइबर के सहयोग से 6 से अधिक सातिर चोरों को पकड़ा, जिनसे वाहन चोरी, सुने घरों में चोरी, लूटपाट की घटनाओं पर सख्ती के साथ पूछताछ की गई, जिसमें 6 से अधिक मोटरसाइकिल चोरी का सामान जब्त किया। साथ ही इनके सहयोगियों की भी विभिन्न धाराओं में गिरफ्तारी की गई। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। एक लूट की घटना हुई थी, जिसको लेकर के काफी गंभीरता से हम लोगों ने उस पर काम किया और निरंतर जब उस पर हमारे वीडियो फुटेजेस, टेक्निकल एविडेंस और हमारी टीमें जो निरंतर उस पर काम कर रही थी, उस पर काम करते हुए हम लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिली। वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोगों ने कुछ आरोपियों को, कुछ संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें कन्नौज थाना क्षेत्र का एक मोस्ट वांटेड और पुराना क्रिमिनल जो है, जिसका नाम है बन्नू रमजान, जो कि टाकली सेना का निवासी, अपनी गैंग के साथ में निरंतर कुछ न कुछ वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिस पर से थाना खातेगांव और थाना कन्नौज में अपराध पंजीबद्ध हुए। जब उस पर हम काम करने लगे, उस पर टेक्निकल एविडेंस और मुखबिर लगा करके जब सूचना तंत्र को हमने मजबूत किया, तो दिनांक 8/10/2023 को टाकली खेड़ा के बिंदन सेठ के प्रेशर के पीछे उक्त शातिर बदमाश के आने की सूचना मिली, जिस पर से थाना कन्नौज और थाना खातेगांव की ज्वाइंट संयुक्त टीम द्वारा बड़ी ही बहादुरी से उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और जब उसको कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा पिछले कुछ दिनों में जो खातेगांव और कन्नौज थाना क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई, ग्राम अजनास में 2-3 चोरियां हुई हैं, एक लूट हुई थी और कन्नौज थाना क्षेत्र में घटना हुई है, साथ ही साथ काटापुर थाना क्षेत्र में लोहारदा में जो घटनाक्रम को चोरियां हुई थी पिछली, वो सारी चोरियां उसने और उसके गैंग ने स्वीकार की। जैसे ही उक्त बदमाश को हमारे द्वारा, हमारी टीम द्वारा जब पकड़ा गया, तो उसके पास से एक 12 बोर की बंदूक और एक मोटरसाइकिल मिली है। वो 12 बोर की उक्त बंदूक भी थाना नसरुल्लागंज जिला सीहोर से उसने 2 दिन पहले ही एक घर में से चोरी की है, जो कि अच्छी कंडीशन में और चालू कंडीशन में थी। और उक्त मोटरसाइकिल भी उसने नसरुल्लागंज जिला सीहोर से चोरी की थी। ये दोनों ही चोरी की चीज़ें उसके पास से तत्काल जब उसको कस्टडी में लिया गया, उसके पास से बरामद की। उक्त आरोपी पे जब उसकी निशानदेही पे अन्य लोगों को चिन्हित किया गया, सभी लोगों को उठाया गया, तो अनुभाग की लगभग 8 से 10 चोरी की वारदात और एक लूट की वारदात उसने कबूल की है। उक्त प्रकरण में अभी तक हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पे अलग अलग स्थानों से जो उन्होंने चोरी की उसका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।